हमारे यहाँ चार परिवार में जो मीटर लगे हुए हैं लेकिन कनेक्शन अभी जोड़ा नहीं है। आज हमारे समाज में बिजली लाइन वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। इसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता। लेकिन हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के कालीवास पंचायत के कमलिकागुड़ा गांव में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चार बीपीएल परिवारों के लिए बिजली की लाइन दी गई। एक वर्ष हो गया लेकिन आज तक वहां पर बिजली की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। रात में बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कुछ जहरीले जानवरों के और पैंथर जैसे जानवर भी बहुत ही यहाँ आते जाते हैं, तो उनका भी लोगों को बहुत डर रहता है। एक साल पूर्व सरकार के बिजली विभाग द्वारा उनके घर पर मीटर व लाइट के थंबे लगाए गए। एक साल होने के बावजूद भी उन्हें आज तक बिजली की लाइन से नहीं जोड़ा गया, जिस कारण वो मीटर भी आज बेकार होते जा रहे हैं। उनका मकान पहाड़ों पर स्थित है और आने जाने में काफ़ी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाइट ना होने से उनके घर में तेल के दिए के साथ में काम करना पड़ता है। मैंने स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ में मिलकर लिखित रूप में उनसे शिकायत की और उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि ये पत्र आपने दिया है और आप इस पर वीडियो भी बना रहे हो तो इससे दबाव बनेगा और ये काम बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। मीटर लगे हुए करीबन 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठेकेदार का काम है और ठेकेदार कराएगा। ऑफिस वालों से बात की तो वो कह रहे हैं कि ठेकेदार छोड़ के गए हैं, तो उनको हम बोल के वापस चालू करवाएंगे काम। हमारा यहाँ पे राजीव गांधी का विद्युतीकरण की प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मेरे को यहाँ से शिकायत मिली थी कि पूर्व में किन ठेकेदारों द्वारा मीटर लगा दिए गए, उनकी सूचना मेरे को आपके द्वारा मिली, जिसके ऊपर मैंने तत्काल कार्यवाही करते हुए आज इनका तुरंत प्रभाव से कनेक्शन चालू कर दिया है। यहाँ लाइट का काम करने में सरकार द्वारा लगभग 2.5 लाख से 3 लाख का खर्चा हुआ, जिसमें लाइट तार हमें मीटर व बल्ब लगाए गए। लाइट नहीं होने से मैं परीक्षा में मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी और अब लाइट आ गई है तो मुझे परीक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही और मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। बदलाव से समुदाय में बदलाव तो बहुत सारा आया है कि इनको अब मान लो और नाइट में बाहर भी निकलना पड़ता है तो पैंथर जैसे या जहरीले जानवरों का जो भी डर था वो दूर हो गए हैं कि कुछ भी देख सकते हैं। विद्युत उपकरण तो वो यूज में लाने के लिए सोच रहे हैं कि विद्युत उपकरण लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, इस तरह के और कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, ब्याह शादी होती है तो उसमें भी लाइट डेकोरेशन का भी कर सकते हैं। हम एक साल से करीब इस समस्या से बातचीत करते रहे थे लेकिन समस्या हल नहीं हुई और वीडियो और शूटिंग करने से कैमरे से मतलब जल्दी ये समस्या हल हो गई।